Hello everyone, a very warm welcome to all of you on this platform, Educator Plus platform पे आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी हिस्ट्री सब्जेक्ट जो कि पेपर टू का हमारा सब्जेक्ट है, उसके कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे और साथ में हम यहाँ पे थीमेटिक वे में पढ़ाई भी करेंगे। तो हम एक तो प्रैक्टिस करते ही जा रहे हैं साथ में हम कुछ टॉपिक्स को, जैसे आज का टॉपिक है पेलियोलिथिक साइट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट पेपर टू का है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये साइट्स, स्पेसिफिकली प्री हिस्ट्री से रिलेटेड। तो आज की क्लास में हम पेलियोलिथिक साइट्स डिस्कस करेंगे और साथ में हम पेपर टू का जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर में हमारे से पूछी गई है चीजें उसको डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है या नहीं, मेरी वीडियो क्वालिटी क्लियर है या नहीं। सब कोई फटाफट से लाइव आ जाइए, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, एवरीवन कमेंट इट आउट इन कमेंट बॉक्स, इज माई वॉइस ऑडिबल टू यू और नॉट, माई वीडियो क्वालिटी क्लियर और नॉट। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सब कोई लाइव आ जाइए, देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। एवरीवन ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना। गुड आफ्टरनून मेघा, गुड आफ्टरनून मेघा, इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री? आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है क्या मेघा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला डिस्कशन। इन इंडिया द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द हर्थ हैज बीन फाउंड फ्रॉम, योर ऑप्शंस आर बीला सुरगम, हंस की, भीमबेटका, महागरा। फटाफट से आंसर में बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एवरीवन जस्ट कमेंटेड आउट वेरी फास्ट व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके मेघा, थैंक यू वेरी मच। बट दीज थिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना सिर्फ आपके यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी, जैसे कुछ लोग आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, उसके अलावा कुछ लोग स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी आप एग्जाम ऐसा दे रहे हैं जहां पे जीएस आपका कंपोनेंट होता है, जहां पे जीएस से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें हिस्ट्री जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हिस्ट्री है उसको आप कहीं भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हिस्ट्री एक मेजर चंक बनाता है आपके किसी भी जीएस के एग्जाम का, और यूजीसी नेट पेपर टू जिनका हिस्ट्री है उनके लिए तो ये क्लासेस एकदम रामबाण टाइप का है। अगर आप ये क्लासेस भी रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा एज मिलेगा आपके पेपर में। अदर देन दैट, आप लोगों के लिए हम पेपर वन के कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। तो पेपर वन में मेरे से आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हर्षवर्धन सर से भी पढ़ा हुआ है, तो हम लोग तो वहां पे पढ़ाएंगे भी। अब हम एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज हाइब्रिड कोर्स, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेशन जो पहले हम सिर्फ यूट्यूब पे लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा, हम ऐप पे भी आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लाएंगे। आपको कोई भी डाउट रहे आप क्लास पढ़ के हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पेपर टू हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, इसका भी कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, तो यहाँ पे आप एक डेमो की तरह भी मुझसे पढ़ सकते हैं अगर आपको पसंद आए। मैं हर बार बोलती हूँ, जरूरी नहीं है कि आप कोर्स लेके ही पढ़ाई कीजिए, अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको लग रहा है हिस्ट्री बहुत वाइड सब्जेक्ट है, राइट, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी चीजें हैं,
तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद से ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी की मदद की जरूरत है, कोई गाइडेंस की जरूरत है, तो डेफिनेटली आई एम देयर फॉर यू। तो फटाफट से आप यहाँ पे आंसर्स भी दीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको मेरी मदद की जरूरत है, तो कोर्सेस आपके लॉन्च होने जा रहे हैं पेपर टू हिस्ट्री के भी, पेपर वन के लिए भी। तो इसीलिए फटाफट से अगर आपको चाहिए, जरूरत महसूस हो रही है, तो फटाफट से खुद को एनरोल करवाइए, ओके। और प्राइस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। हम सब ऐसे कोर्स लाते हैं जो स्टूडेंट फ्रेंडली हो, समझने के लिए भी और पॉकेट फ्रेंडली भी। तो इसीलिए एडुकेशन मींस एडुकेटर प्लस, जो आप लोग मुझे ही बोलते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में कई बार आप लोगों ने कमेंट किया है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए एकदम अफोर्डेबल, एकदम क्वालिटी वाइज, क्वालिटी एनरिच्ड कंटेंट लाया जाएगा पेपर वन के लिए भी, पेपर टू हिस्ट्री के लिए भी, और भी सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो एक बार ऐप पे सब कोई चेक कीजिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, और उसके हिसाब से आप लोग देखिए, ठीक है। ओके ओके, सो मेघा ने आंसर दिया है 3। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वॉचिंग दिस सेशन इन लाइव मोड, फटाफट से कमेंट कीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। नाउ दीज क्वेश्चन आर समथिंग जो आपने मतलब कभी कहीं सुने नहीं होंगे, राइट। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को भी अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एज मिलेगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बिला सुरगम, ठीक है। नहीं पता, इसका स्क्रीनशॉट लेके फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए या लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम वेयर इन साउथ एशिया द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ वीट बार्ले फार्मिंग हैज बीन फाउंड, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, राजस्थान। फटाफट से बताइए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल लेंगे मेघा, कल से मैं आपके लिए जीएस की लाइव क्लास लूंगी, तो वो बिल्कुल अटेंड कीजिएगा। यूपीएचएससी के लिए भी कोई इंसान, अगर एमपीपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है कोई बच्चा, वो भी ले सकता है। जहां भी जीएस का सब्जेक्ट आएगा, जीएस मैं ही आपका यूपीएचएससी का ले रही हूँ, और साथ में संस्कृति मैम भी ले रहे हैं, रजत सर भी ले रहे हैं। तो इसीलिए एक एक दिन करके आपकी यूपीएचएससी की भी क्लास होगी। सचिन सर ने आपकी करंट अफेयर की क्लास ली थी, करंट अफेयर मैं भी लूंगी, जीएस का मैं भी लूंगी। तो कल से आपकी यूपीएचएससी की भी क्लास होगी, तो उसको आराम से अटेंड कीजिएगा लाइव मोड में, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा। और यूपीएचएससी के लिए भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च हो रहा है, उसमें मैंने भी पढ़ाया है, सचिन सर ने भी पढ़ाया है, बहुत मेहनत की है उस कोर्स के पीछे हमने। तो आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है, जिन लोगों को यूपीएचएससी का कोर्स लेना है, वो वहां पे भी ऐप पे परचेज कर सकते हैं। ओके ओके मेघा, फटाफट से बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा? तो यहां पे आपसे पूछा गया है, सबसे पहले साउथ एशिया में सबसे अर्लीस्ट एविडेंस आपको वीट और बार्ली फार्मिंग का कहां से मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बलूचिस्तान। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो इसीलिए दिस इज वेरी कॉमन, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेयर हैव ह्यूमन फॉसिल्स बीन फाउंड इन सिटू विद द पैलियोलिथिक टूल्स, अतिरपक्कम, भीमबेटका, डिडवाना, हथनोरा। फटाफट से बताइए थर्ड क्वेश्चन का आंसर। वेलकम मेघा, आप इन क्लासेस को भी देख सकती हैं, कहीं ना कहीं आपको एच देगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डिटेल में होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि हम पेपर टू हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा डिटेल में होगा। बट दीज क्लासेस विल ऑल्सो गिव यू एन एच इन योर अदर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी। Everyone, just comment it out in comment box. What will be the correct answer of third question? हाँ हाँ बिल्कुल guess करिए, बिल्कुल guess करिए मेघा। यहां पे आपसे पूछा गया है, एक तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इन सिटू का क्या मतलब होता है, उसके अलावा कौन सा पैलियोलिथिक टूल आपको मिला है ह्यूमन फॉसिल के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इज हथनोरा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे ही क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए एक बार इन सारे क्वेश्चन को अगर आपको नहीं पता है, तो इन सबका स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
Which one of the following is not correctly matched? Rakhi Gadi, Harappa, Mohenjo-daro, Kalibangan, Middletown, Cemetery H, Cemetery R37, Burial of Male and Female. फटाफट से बताइए इसमें कौन सा जोड़ी जो है वो सही से मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड. फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में. वेरी गुड मेघा. थर्ड क्वेश्चन का डी आंसर इज करेक्ट. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन? कौन सा यहाँ पे पेयर सही से मैच नहीं है, तो इसके लिए इसका आंसर फटाफट से बताइए. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपको नहीं भी आता तब भी आप गेस करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा. और जो लोग यहाँ पे मतलब पेपर वन से मुझसे पढ़ रहे हैं, उसके बाद जैसे मेघा है वो पेपर वन की स्टूडेंट थी, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है, तो आपके जो दोस्त हैं जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से हैं उनको ये क्लासेस शेयर कीजिए ताकि उनको फायदा हो सके. ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ अपने तक ये सारी चीजें रखनी है, हमें शेयर भी करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इज थर्ड, मोहनजोदड़ो R37 सिमेट्री से लिंक्ड नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which of the following Aryan deities have been invoked in the Bokas Koi inscription from Asia Minor? Agni, Rudra, Som, Indra, Surya, Vishnu, Rudra, Marut, Kushan, Bhag, Indra, Nasatyan, Mitra, Varun. फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आपको लिंक बहुत बार आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं. बोगास कोई इंस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब हम आर्यन के बारे में पढ़ेंगे तो हम इस इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ेंगे. फटाफट से बताइए. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फोर्थ, दैट इज इंद्र, नसत्य, मित्र, वरुण. ठीक है, अब हम आते हैं अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स पे. जिन लोगों का सब्जेक्ट हिस्ट्री है बहुत अच्छी बात है, आप तो देखिए ही देखिए. जिन लोगों का सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं भी है उनके लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अब हमारा जो प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है, मतलब जब हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो हम हिस्ट्री को कितने फॉर्म में डिवाइड करते हैं? हम सबसे पहले उसको डिवाइड करते हैं प्री हिस्ट्री, उसके बाद हम डिवाइड करते हैं प्रोटो हिस्ट्री, उसके बाद हम हिस्टोरिकल या हिस्ट्री दोनों ही बोलते हैं. यहां पे अब ये डिवीजन किसके बेसिस पे बना है वो समझते हैं. प्री हिस्ट्री जो है यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, राइट? हमारे पास कोई भी लिखावट नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है. मतलब अगर हम प्री हिस्ट्री में देखें या स्टोन एज को देखें तो स्टोन एज में हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टूथ है उसके. तो ये जो टूथ है ये हमें हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती है. हम देखते हैं, हम इन टूल्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी वो जस्ट उभरी ही थी, राइट? तो इसीलिए उन्हें लिखना पढ़ना उस टाइम पे नहीं आता था, लैंग्वेज उस टाइम पे डेवलप नहीं हुई थी, तो इसीलिए वहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है. प्रोटो हिस्ट्री जो होता है वहां पे हमारे पास रिटन एविडेंस है, हमारे पास लिखावटें हैं, लेकिन हम उसको अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, हम उसको अभी तक समझ नहीं पाए हैं, राइट? और इसमें हमारा आता है IVC या इंडस वैली सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन, जो कहना चाहे आप कह सकते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं, लेकिन वो ऐसे इंस्क्रिप्शन है, बोस्ट्रोफिडॉन टाइप के इंस्क्रिप्शन है कि हम उसको समझ नहीं पाते. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये जो आईवीसी के बाद का पीरियड है, दैट इज हिस्टोरिकल या हिस्ट्री इसको बोलते हैं, दोनों ही टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं इसको. यहाँ पे हमारे पास आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी है और रिटन एविडेंस भी है. यहाँ पे भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है बट यहाँ पे ये दोनों चीजें हैं और इसको हम समझ भी पा रहे हैं. यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है उसको हम समझ भी पा रहे हैं, तो इसीलिए ये वाली जो हिस्ट्री है ये बहुत अच्छे से हमें समझ पता है. यहाँ पे हम थोड़ा अनुमान लगाते हैं कि क्या होगा, कैसा होगा, पिक्टोग्राफिक टाइप का इंस्क्रिप्शन है,
तो उसके बेसिस पे हम थोड़ा अनुमान लगाते हैं, और प्री हिस्ट्री में हम सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल चीजों पे ही, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिली है सिर्फ और सिर्फ हम उस पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हिस्ट्री क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री को हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं तीन भागों में, ठीक है। अब हम देखते हैं, आते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है, दैट इज व्हाट प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री की अगर बात करें तो प्री हिस्ट्री पीरियड को हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो ये समवेयर अराउंड 3 लाख ईयर्स, मतलब इतने साल पुराने से 10,000 BC तक था, राइट। अब उसके बाद आता है हमारा मेसोलिथिक। अब ये टाइम फ्रेम जो है ना, दे आर नॉट एक्यूरेट। किसी किताब में आपको कुछ और मिलेगा, किसी और किताब में आपको कुछ और मिलेगा, राइट। तो इसीलिए इसके बेसिस पे आप परेशान मत होइएगा, ये अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन है। उसके बाद आता है हमारा मेसोलिथिक टाइम पीरियड। यहाँ पे हमें 10,000 BC से 6,000 BC तक का टाइम पीरियड मिलता है। देन कम्स नियोलिथिक टाइम पीरियड, यहाँ पे 6,000 BC से 1,000 BC तक का मिलता है। फिर आता है चालकोलिथिक। अब चालकोलिथिक एज जो था, इट कोइंसाइडेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। चालकोलिथिक में हमने क्या किया था, कॉपर का यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो भी समवेयर उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इस टाइमलाइन में हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन भी देखने को मिलता है। नाउ आर्यन एज डजंट कम एग्जैक्टली इन प्री हिस्ट्री, इसको हम प्री हिस्ट्री में एग्जैक्टली नहीं डालते, लेकिन हाँ जो अर्ली आर्यन या अर्ली वैदिक पीरियड था उसका कहीं ना कहीं हमें सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे जो लिटरेचर थी वो हमारी स्रोत के थ्रू जाती थी, तो इसीलिए इस टाइम पे डेवलप होता था। लेकिन ये प्री हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्री हिस्ट्री। तो इसीलिए यहाँ पे अगर चार्ट में लिखा है तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम उसी का पीरियड का है। प्री हिस्ट्री में आपका ये सारा टाइम पीरियड, एक्चुअली में आप किसी भी किताब को देखेंगे तो ये तीन टाइम पीरियड एग्जैक्ट कवर होता है। चालकोलिथिक एज जो था वो पैरेलल चल रहा था नियोलिथिक के भी और हड़प्पन के भी, तो ये प्री और प्रोटो दोनों में आता है। उसके बाद के पीरियड को हम हिस्टोरिकल या हिस्ट्री से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है। अब हम पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये तीन नामों का मतलब क्या है, इन तीनों को हम कैसे डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो हम इन तीनों को टूल्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, मतलब उस टाइम पे किस टेक्नोलॉजी से जो टूल्स थे वो बने थे, उसके बेसिस पे हम इस पूरे पीरियड को डिवाइड करते हैं इन तीन भागों में, ठीक है। अब जो पेलियोलिथिक की अगर बात करें, ये जो सेग्रीगेशन है इसमें मटेरियल जो इन्होंने यूज किया था, अब इस तीनों पीरियड को हम क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्टोन एज। स्टोन एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो टूल्स ये लोग यूज करते थे दैट वाज मेड ऑफ स्टोन, स्टोन से बना हुआ था ये सब, ठीक है। तो इसीलिए इन तीनों भागों को, इन तीनों चीजों को स्टोन एज भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे टूल्स स्टोन से बने थे। अगर हम पेलियोलिथिक की बात करें तो वहां पे थोड़े, जैसे सपोज करिए अगर आपको इनिशियली कोई चीज बनानी हो, मेरे सामने एक पत्थर रखा है तो मैं उसको तोड़ूंगी, जो मोटा वाला पार्ट होगा कोर प्लेट टेक्नोलॉजी होता है। तो कोर वाला पार्ट क्या होता है, जैसे अगर इतना बड़ा सा पत्थर है, मैंने इसको इतने भाग में डिवाइड किया, अब ये वाला जो है मैं उसी से आपको मारूंगी, मतलब अगर मुझे आपको खाना है तो, या किसी जानवर को खाना है तो मैं मारूंगी। तो ये वाला जो, जब कोर वाला चीज, मोटा वाला चीज हम ज्यादा यूज कर रहे थे, तब हमारा पेलियोलिथिक टाइम पीरियड में इसका यूज हो रहा था। उसके बाद धीरे धीरे जाके प्लेट टेक्नोलॉजी आने लगी, मतलब यहाँ से हमने जो छोटे छोटे भाग हैं उसको हमने, इसको जो छोटा भाग मिलता था उससे हमने अपने टूल्स बनाने शुरू कर दिए। माइक्रोलिथ्स का यूज देखने को मिलता है हमें आगे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फर्दर ये लोग क्या करते थे, माइक्रोलिथ में कुछ पॉइजनस टाइप का चीज लगा के तीर बाण से इशारा निशाना मारते थे। तो ये जो एरो का यूज, ये सब होता है विद टाइम डेवलप होता गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये सारा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोन एज में, एक नाम है, यहाँ पे आप फोटो भी देख रहे हैं, इनका नाम क्या है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। इन्होंने सबसे पहले पेलियोलिथिक टूल्स का इजाद किया, देखा कि क्या है ये पेलियोलिथिक टूल, सबसे पहले जो डिस्कवरी, खोजा, इन्होंने सबसे पहले खोजा इस पहले पेलियोलिथिक टूल को। कहां पे मिला था इन्हें, पल्लाम में हैंड एक्स मिला था। हैंड एक्स का क्या मतलब होता है,
एक बहुत मोटा सा पत्थर टाइप का, जिसको वो हैंड एक्स की तरह यूज करते थे, जिससे वो शिकार करते थे। तो ये जो हैंड एक्स था पल्लावरम में, सबसे पहले किसको मिला था? रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला था, ठीक है, 1863 में। ठीक है, अब जो अर्लीस्ट पीरियड है स्टोन एज का, वो किस टाइम पीरियड में डेवलप हो रहा है? वो प्लीस्टोसीन पीरियड या आइस एज में डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जो प्री हिस्ट्री में आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज व्हाट द साइट्स। तो साइट्स को अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी पेलियोलिथिक साइट्स हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल मोर और लेस अलाइन टू दिस साइट। ठीक है, क्या क्या फाइंडिंग्स मिली है? डिडवाना सबसे इंपॉर्टेंट है। डिडवाना की अगर बात करें तो कहां पे है? नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में डिडवाना लोकेटेड है। यहाँ पे लोअर और मिडिल पेलियोलिथिक स्टोन टूल्स दोनों ही मिलते हैं। लोअर पेलियोलिथिक की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत बड़े बड़े टूल किससे मिलके बने हैं? क्वार्ट्जाइट से और हार्ड रॉक से मिलके बने हैं। इट इंक्लूड व्हाट? चॉपिंग टूल्स, हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स। ठीक है, अगर मिडिल पेलियोलिथिक के रिमेन्स की हम बात करें तो छोटे छोटे प्लेट टूल्स मिले हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा पत्थर है, मैंने यहां से इसको तोड़ा, अब ये वाला पार्ट इतना बड़ा मेरे पास बच गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये कोर टूल हो जाएगा। मतलब जो मेरे पास मोटा पार्ट बचा वो मैंने उसको यूज किया। अगर मैंने इसको तोड़ा और इसमें से इधर ही तोड़ा और इसमें से मुझे एक छोटा सा पार्ट मिला, तो छोटा पार्ट इज मोर लीडल ना, तो ये फ्लेक हो जाएगा। और ये जो फ्लेक होगा इसका हम इस्तेमाल आगे जाके करने लगे। जो छोटे होते थे लाइटर होते थे और इसका बहुत ज्यादा यूज भी होता था। ठीक है, उसके बाद रोजड़ी की अगर बात करें तो ये राजकोट डिस्ट्रिक्ट गुजरात में मिला है। इसमें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। जो घर थे वो किससे बने थे? स्टोन फाउंडेशन के थे, कोई ब्रिक नहीं मिलता है हमें। पॉटरी थी, हार्ड और रेडवेयर। ग्राफिटी और स्क्रिप्ट जो था इसमें, साइन था इंडस स्क्रिप्ट का विद अ जार। तो इसीलिए इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी देखने को मिलता है। कई साइट्स जो होती हैं वो ट्रांजिशन वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सबसे पहले कोई साइट है, वहां पे डेवलप होते गए पेलियोलिथिक का, मेसोलिथिक का, नियोलिथिक का, उसके बाद आईबीसी का, ये सारे एविडेंस हमें मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें आईबीसी के भी एविडेंस मिले हैं और साथ में यहाँ पे हमें पेलियोलिथिक के भी एविडेंस मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो हड़प्पन इंस्क्रिप्शन है, पॉट पे बना हुआ, और साथ में एक कॉपर या ब्रॉन्ज का हमें एक्स भी देखने को मिलता है। सो यहाँ पे हमें रोजड़ी में पेलियोलिथिक पे मिलता है और आईबीसी का भी यहाँ पे हमें एविडेंस मिलता है। उसके बाद आता है काल्पी। काल्पी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे मिलता है हमें? जलाऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूपी। ठीक है, अब ये एक सबसे ओल्डेस्ट रिमेन जो हमारा ह्यूमन सेटलमेंट का है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये गंगेटिक प्लेन पे सिचुएटेड है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिमेन। बोन आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं हमें, एरोहेड और नाइफ टाइप की चीजें हमें मिलती है। पेंटेड ग्रेव भी हमें मिलता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि PGW जो था वो किस टाइम पीरियड में यूज होता था, फटाफट से बताइए। बाद का जो पीरियड है उसमें हमें यहाँ पे बुद्धिज्म और शैविज्म का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट साइट, हम सबको पता है, भीमबेटका। भीमबेटका जो है यहाँ पे रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश में मिलता है, भीमबेटका का रॉक शेल्टर। यहाँ पे हमें बेसिकली पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस मिलते हैं और इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी स्टेटस प्रोवाइड करवाया गया है। साथ में टूल्स की अगर हम बात करें तो जो पेलियोलिथिक टूल्स हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ क्वार्ट्जाइट एंड द सैंडस्टोन, और जो मेसोलिथिक टूल्स थे वो चालकेडोनी और स्मॉलर साइज के। ऑब्वियसली जो मेसोलिथिक टूल्स थे उनका नाम ही था माइक्रोलिथ, मतलब छोटे छोटे टूल्स होते थे और बहुत ही ज्यादा लीडल होते थे। ठीक है, और साथ में यहाँ पे हमें फ्लोर जो है, मतलब जो घरों में फ्लोर है वो हमें फ्लैट स्टोन स्लैब का, घरों में नहीं बेसिकली केव्स में जो हमारा रॉक शेल्टर में जो फ्लोर है वो फ्लैट स्टोन का देखने को मिला है। कोई भी बोन एविडेंस यहाँ पे अभी तक नहीं मिला, आगे मिलेगा तो देखेंगे। यहाँ पे अभी हमें ज्यादा कोई बोन एविडेंस नहीं मिला है और रॉक केव पेंटिंग हमें यहाँ पे सबसे बेहतरीन देखने को मिली है। यहाँ पे जो रॉक केव पेंटिंग है उसी से हमें मैक्सिमम हमें एविडेंस जो है, जो हम
अंदाजा लगाते हैं कि वो एक हंटर गैदरर सोसाइटी थी उस टाइम पे, उनको पेंटिंग करना पसंद था, जो पेंटिंग थे वो किस टाइप के, किस कलर से बने थे, नेचुरल कलर थे, कहाँ से वो कलर लाते थे, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें इस पेंटिंग से ही मिली है जो कि उस रॉक केव के अंदर बनाई गई है। आप बहुत सारी ऐसी पेंटिंग है जहां पे लोग एक साथ हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं, तो यहां से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई कल्चर इस टाइम पे डेवलप हो रहा है, कोई कम्युनिटी फेस्टिवल इस टाइम पे डेवलप हो रही है जो लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं डांस करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इस पेंटिंग से पता चलती है और ये एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। अगर आपको कभी समय मिले तो डेफिनेटली भीमबेटका जाइएगा, इट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारे लेयर्स पैलियोलिथिक मेसोलिथिक के, बेसिकली पेंटिंग जो था वो अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में जो था वो डेवलप हुआ था, तो इसीलिए हमें यहाँ पे पैलियोलिथिक मेसोलिथिक इन सब की पेंटिंग देखने को मिलते हैं। और इसमें थीम्स क्या है, इस पे कई बार क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, हंटिंग बाय मैन, डांसिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग, विमेन वर्किंग, साइन ऑफ प्रोटो फैमिली सेटअप। ठीक है, ये सारे हमें पेंटिंग के थीम्स देखने को यहाँ पे मिलते हैं भीमबेटका में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आदमगढ़ की बात करें तो आदमगढ़ के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आदमगढ़ के केव्स, मतलब वहां पे हमें आदमगढ़ में हमें साइट मिला है, वहां पे प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर और पेंटिंग, ये दोनों ही हमें एविडेंस मिलते हैं। पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक टूल्स दोनों हमें यहाँ पे मिले हैं, उसके अलावा माइक्रोलिथ्स भी हमें मिले हैं, ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स जैसे कि ट्रायंगल और ट्रेपीज में हमें बहुत ज्यादा मिले हैं, एनिमल बोल्स हमें मिले हैं वाइल्ड और डोमेस्टिक दोनों ही, पॉटरी जो है वो माइक्रोलिथ लेवल की हमें यहाँ पे मिली है। ठीक है, अगली साइट की बात करें तो बागोर, बागोर की अगर बात करें तो ये सिंध डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक टूल दोनों ही हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में, हंटिंग में, क्राफ्ट वर्क में, इन सब में हमें यहाँ पे एविडेंस देखने को मिला है इन सब चीजों का। ठीक है, मदर गॉडेस का वर्शिप देखने को मिलता है। अब मदर गॉडेस का वर्शिप बेसिकली कौन से टाइम पीरियड से रिलेटेड है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मदर गॉडेस किस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा फेमस थी हमें यहाँ पे भी देखने को मिला है। एक रॉक जिसमें एक कंसेंट्रिक ट्रायंगल है, मिडिल ऑफ द सर्कुलर प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिला है, मतलब ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है, और ट्राइबल जो उस अभी भी यहाँ पे रहते हैं बागोर एरिया में रहते हैं वो इस सिंबल को मदर गॉडेस की मानते हैं। ठीक है, मेसोलिथिक फेज के क्या क्या हमें एविडेंस मिले हैं, चर्ट और चार्किडोनी का हमें टूल मिला है, ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ टूल मिले हैं, और बहुत सारे लार्ज सेंटर्स ऑफ, मतलब बहुत सारे जो एरिया हैं वहां पे बहुत सारे शेल्टर्स हमें देखने को मिले हैं जो कि इस मेसोलिथिक फेज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम अपने अगले साइट को, चुपानी मांडो। चुपानी मांडो कहाँ पे है, अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूपी में है। यहाँ पे हमें तीनों एविडेंस मिलते हैं, तीनों फेजेस के एविडेंस मिलते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें स्टोन टूल्स मिले हैं चर्ट के। ठीक है, बोन्स भी हमें मिले हैं वाइल्ड कैटल, शीप और गोट के, और यहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन का एक अर्ली स्टेज, एकदम अर्ली स्टेज। आई नो कि पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में हमारा उतना एनिमल डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ था, लेकिन एक जो एकदम अर्ली स्टेज है वो हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, फिर आता है हमारा मेसोलिथिक पीरियड, ज्योमेट्रिकल और नॉन ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है, जैसे कि ब्लेड्स, पॉइंट्स, स्क्रेपर्स, ये सब बेसिकली बने किससे हैं, ये सब बने हैं चर्ट से। उसके अलावा हमें हैंडमेड पॉटरी का देखने को मिलता है। अब पॉटरी से आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि पॉटरी का मतलब क्या होता है, कि एग्रीकल्चर एक पेरिफेरल लेवल पे डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका एविडेंस है, ये नियोलिथिक टाइम पीरियड का भी एविडेंस है और साथ में मेसोलिथिक के एंड स्टेज में। मेसोलिथिक जो पीरियड है वो ट्रांजिशन पीरियड है पैलियोलिथिक का और एग्रीकल्चर वाली नियोलिथिक सोसाइटी का। फॉर एग्जांपल अगर पैलियोलिथिक की बात करें तो यहाँ पे जो लोग थे वो बेसिकली क्या फॉलो करते थे, दे फॉलो हंटिंग एंड गैदरिंग, राइट। और नियोलिथिक में थोड़ा बहुत सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है,
कि लोग सेटल होने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सेटल्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है। अब इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन फेज है, दैट इज व्हाट मीज़ोलिथिक, ठीक है। तो इसीलिए इस ट्रांजिशन फेज में हमें बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि पॉटरी के एविडेंस मिल रहे हैं, हैमर स्टोन के, रिंग स्टोन के, इन सब के एविडेंस मिलते हैं, वाइल्ड कैटल के, शीप और गोट के, इससे पता चलता है कि वो लोग डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अलावा बर्नड क्ले विद रीड इंप्रेशन दैट पीपल लिव्ड इन, कहां पे रहते थे, वॉटल और दुआब वाले हट्स में रहते थे, और वाइल्ड राइस भी यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। यहां तक बात एकदम क्लियर है, अब हम बढ़ते हैं, यस यस मेघा, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इन इंडिया फ्रॉम वेयर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ भोजपत्र, अ वेल नोन राइटिंग मटेरियल इन इंडिया, हैज बीन फाउंड, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा, श्रृंगवेरपुरी। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए एवरीवन। इन केस इफ यू डोंट नो देन यू कैन मेक अ गेस, आप गेस कर सकते हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आप फटाफट से बताइए, गेस करके ही बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। उसके बाद सही आंसर जो है वो तो मैं बताऊंगी ही, एक बार आप अपना दिमाग थोड़ा इस्तेमाल करके इसका आंसर बताइए। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, श्रृंगवेरपुरी, ठीक है। इस क्वेश्चन का, सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन है, दैट इज श्रृंगवेरपुरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, कथक, मैत्रायणी, तैत्यायनी और वज्रस्नानी, वासनी, फटाफट से बताइए, फटाफट से सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए। So the correct answer for seventh question is also 4, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following state of South India was mentioned in Megasthenes Indica? चेरा, पांड्या, सत्यपुत्ता, चोला। अब ये क्वेश्चन जो है, अगर आप लोग हिस्ट्री को प्रिपेयर कर रहे हैं जीएस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तब भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जनरल लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत खास बात नहीं पूछी गई है, बस आपसे ये पूछा गया है कि मेगास्थनीज ने किसके बारे में बताया था, तो फटाफट से बताइए इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही है। एंड गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन, जो लोग हिस्ट्री पेपर 2 से नहीं बिलोंग करते, अपने दोस्तों का भला कर दीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि आके यहाँ पे क्लास लें, क्लास अटेंड करें, ताकि उनको समझ में आए एक्चुअल एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने आपको इतने सारे साइट्स के बारे में पढ़ाया, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे एक क्वेश्चन तो इस टाइप से आता है कि आपको साइट और कहाँ पे वो लोकेटेड है, साइट एंड प्लेस, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैच द फॉलोइंग में। दूसरा आपका कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस है, जैसे मैंने आपको इतने सारे यहाँ पे एविडेंस बताए, उस पे क्वेश्चन आ जाता है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन एक आपसे पूछ लिया जाएगा, बहुत सारे साइट्स के नाम दे दिए जाएंगे, वहां से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सी पेलियोलिथिक साइट है, कौन सी मेसोलिथिक है, कौन सी नियोलिथिक है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसीलिए ये जो साइट्स मैं यहाँ पे करा रही हूँ, यहाँ पे मैं मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ आपको, कि जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं या पूछे जाने चाहिए या पूछे जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा रही हूँ, इस टाइप का मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो नॉलेज आपको मिल रही है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कंस्ट्रेंट है, मैं आपको डेली यहाँ पे नहीं पढ़ा सकती, राइट। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कोई चीज नहीं आती है, आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज सम कंसेप्शन एरर विद यू, लाइक देयर इज सम
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है आप लोगों को, इस टाइप से प्रॉब्लम है, तो आप ऐप पे कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज वेरी रीजनेबल, वेरी अफोर्डेबल। अगर एग्जाम देना है तो क्यों ना अच्छे से दें, राइट। तो इसीलिए जो लोग भी यहाँ पे किसी और सब्जेक्ट के हैं, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ में जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट के हैं, कमेंट बॉक्स में थोड़ा पार्टिसिपेटिव बनके कमेंट कीजिए, ठीक है। फटाफट से बताइए 8th क्वेश्चन का आंसर। 8th क्वेश्चन का वैसे सही आंसर इज 2, दैट इज पांड्या, ठीक है। वेरी गुड मेघा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। From where the largest apsidal shrine of the Indian subcontinent is discovered? Shirshuk, Shirkap, Kaushambi, Anuradhapur. फटाफट से बताइए 9th क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा, फटाफट से बताइए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे, साथ में हम मोस्ट कॉमन जो टॉपिक है या मोस्ट कॉमन इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उस चीज को डिस्कस करेंगे। जैसे आज हमारा थीम था क्या, पैलियोलिथिक साइट्स को डिस्कस करना, या पैलियोलिथिक नहीं बोलूंगी, प्री हिस्टोरिक साइट्स को डिस्कस करना। तो वो अब जो मैं अगला क्लास लूंगी उसमें भी कंटिन्यूड रहेगा। मैं आपको यहाँ पे जितने भी साइट्स हैं वो कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, यहाँ पे भी मैं मैक्सिमम चीजें पढ़ा रही हूँ आपको, पढ़ाती रहूंगी, लेकिन आपको प्रॉपर एक चैनलाइज तरीके से जो नॉलेज है वो आपको आपकी क्लास पे ही मिलेगी, ठीक है। तो फटाफट से बताइए 9th क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। देर आर सो मेनी पीपल हु आर सोइंग इट लाइव, तो फटाफट से आंसर भी बता दो बच्चों। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन इज सेकेंड, सिरकप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who among the following was the president of third Sangam? इरुंदयार, तिरुपुरा मेरिट, नकिरार, उसके अलावा मोदी नगरार। अब ये नाम बहुत ज्यादा थोड़े प्रोनाउंस करने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पे आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ओके okay? तो फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट से बताइए। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आपको मैक्सिमम लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि प्रेसिडेंट कौन थे थर्ड संगम के, फटाफट से बताइए। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड संगम? Yes, very good, Megha, very good. इसका सही आंसर है नकीरार और थर्ड। अब हम और जो आगे की हमारी साइट बची है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पैसरा की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये मुंगेर बिहार पे लोकेटेड है। अब यहाँ पे ये पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक साइट दोनों है, दोनों के हमें यहाँ पे एविडेंस मिले हैं इस साइट से, पैसरा एरिया से। अ स्टोन वर्किंग साइट कंटेनिंग फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड टूल। अब देखिए जहां पे हमें फिनिश्ड टूल्स भी मिलते हैं और सेमी फिनिश्ड टूल भी मिलते हैं, वहां पे हम थोड़ा अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में मिले तो हम उसको फैक्ट्री साइट भी बोलते हैं। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं दिखाता है, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि शायद यहाँ पे कोई फैक्ट्री साइट हो सकती थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें हट्स के कंस्ट्रक्शन के एविडेंस मिले हैं, टेम्पररी शेल्टर हमें मिले हैं कि थोड़े देर के लिए डेरा लगाया इस टाइप का। माइक्रोलिथ के अलावा हमें यहाँ पे बहुत सारे फायर प्लेसेस भी मिले हैं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रॉ मटेरियल जो है, जो हम टूल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या यूज होता था, स्टोन यूज होता था, तो ये यूजुअली हीट किए जाते थे, गर्म किए जाते थे और उसके बाद इनको तोड़ा जाता था। फ्लेकिंग, फ्लेक का क्या मतलब होता है, तोड़ा, फ्लेक निकालना, फ्लेक्स जो होते हैं छोटे छोटे भाग जो होते हैं वो निकालना। तो इनको पहले गर्म किया जाता था क्योंकि हमें यहाँ पे फायर प्लेसेस के एविडेंस मिले हैं, फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड टूल्स मिले हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि बिफोर मेकिंग इट अ टूल, माइक्रोलिथ टूल बनाने से पहले ये क्या करते थे, उसको हीट करते थे और उसके बाद उसको तोड़ते थे, ठीक है। उसके अलावा एक थिन लेयर जो मेसोलिथिक हैबिटेशन का है वो क्या सजेस्ट करता है कि लोग जो है यहाँ पे
बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रहते, क्योंकि हमें यहाँ पे टेम्पररी शेल्टर्स मिले हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि लोग बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रहते थे, थोड़े टाइम के लिए अपना डेरा जमाते थे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक रिमेन नहीं मिला है हमें। उसके बाद आता है गरी डूंगरी, अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पे है, संभालपुर डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के, और यहाँ पे हमें लोअर और मिडिल पेलियोलिथिक के हमें एविडेंस यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगली साइड की ओर, हंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटका एरिया में लोकेटेड है, तो याद रखिएगा हंस की के बारे में। इसमें जो स्टोन टूल और वेपन जो है वो किससे बने हुए हैं, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, उसके अलावा क्वार्ट्जाइट, डोलेराइट और चर्ट से बने हुए हैं, ठीक है। अब जो टूल्स हैं इसमें बेसिकली ब्लेड्स हैं जिसके शार्प एजेस हैं, मतलब ब्लेड्स का क्या होता है, यहाँ पे एक शार्प टाइप का एज होगा, ठीक है। और बहुत सारे हमें यहाँ पे मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, हैबिटेशन का फैक्ट्री साइट मिले हैं। अब मैंने आपको बताया फैक्ट्री साइट क्या होता है, फैक्ट्री साइट वो साइट होता है जहां पे हमें टूल्स बनाने के बहुत सारे, मतलब वहां पे स्पेसिफिकली टूल्स बनते थे, ठीक है। तो ये होता है हमारा फैक्ट्री साइट। अब पिछली वाले हमने इसमें देखा, पैसरा में देखा कि हो सकता है कि ये फैक्ट्री साइट हो, लेकिन यहाँ पे हमें टेम्पररी हैबिटेशन मिली है, यहाँ पे कोई परमानेंट हैबिटेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें हैबिटेशन भी मिली है और साथ में हमें फैक्ट्री साइट्स भी मिले हैं। तो यहाँ पे स्टोन वर्किंग साइट था जहां पे लोकल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए ये दूसरे जगहों पे भेजे जाते थे, ये टूल्स जो थे वो दूसरे जगहों पे भेजे जाते थे, और कुछ हमें जो अर्ली होमिनिड हैं उनका हैबिटेशन स्ट्रक्चर भी मिला है, और यहाँ पे थैच्ड रूप लाइक स्ट्रक्चर भी मिला है। पेलियोलिथिक हंटर गैदरर जो थे वो बैंड सोसाइटी में रहते थे। अब बैंड सोसाइटी का क्या मतलब है, बैंड सोसाइटी का मतलब है कि कुछ एक ग्रुप बनाते थे, जैसे सपोज करिए ये 10-20 लोग हैं, ये एक साथ रहेंगे, अगर कहीं मूव करना होगा तो ये एक साथ आगे जाएंगे। तो ये जो बैंड सोसाइटी है ये हमें इसके एविडेंस कहां से मिलते हैं, हंसगी से मिलते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो हंटर गैदरर्स थे वो एक साथ रहते थे, कुछ गुट बना के एक साथ रहते थे, और कहीं अगर उन्हें मूव करना होता था तो वो जाते भी एक साथ ही थे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो है वो है निवासा। निवासा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में मिला है। इसमें हमें पेलियोलिथिक और चालकोलिथिक साइट दोनों मिला है। अब चालकोलिथिक का क्या मतलब है, पेलियोलिथिक का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जहां पे हम स्टोन का यूज करते थे एज अ टूल, यहां पे हम कॉपर प्लस स्टोन दोनों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम क्या बोलते थे, चालकोलिथिक साइट बोलते थे। निवासा से हमें पेलियोलिथिक और चालकोलिथिक दोनों साइट्स के एविडेंस मिले हैं, और यहाँ पे हमें फैक्ट्री साइट भी मिला है। मैंने ऑलरेडी समझाया फैक्ट्री साइट हम किसको कहते हैं, ठीक है। मिडिल पेलियोलिथिक इंडस्ट्री जो है सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया की, इसको बेसिकली निवासन इंडस्ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो साइट लोकेटेड थी जो मोस्ट फेमस होता है, फॉर एग्जाम्पल हम हड़प्पन कल्चर कहते हैं, हम क्यों इसको मोहनजोदड़ो कल्चर नहीं कहते, हम क्यों इसको कोई धोलावीरा कल्चर नहीं कहते, क्योंकि जो हड़प्पा है ये एक कन्वेंशन है कि जो सबसे पहली साइट मिलती है उसके नाम के बेसिस पे हम उस पर्टिकुलर एरिया की साइट्स को या सिविलाइजेशन को नाम दे देते हैं। तो हड़प्पा की साइट हमें सबसे पहले मिली तो इसीलिए उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो वैसे ही एक कन्वेंशन है कि यहाँ पे मिडिल पेलियोलिथिक का जो इंडस्ट्री मिला है उसको हम बेसिकली निवासन इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि हमें शायद सबसे पहले निवासन या सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री होगी, सबसे बड़ा जो साइट होगा वो निवासा का होगा, ठीक है। जो टूल्स हैं बहुत सारे टाइप के मिले हैं, जैसे कि स्क्रेपर जो अगेट जास्पर चालकटोनी से बने हुए हैं। उसके अलावा हमें चालकोलिथिक फेस भी मिलता है जिसमें हमें पेंटेड ब्लैक और रेड पॉटरी मिलती है, कॉपर टूल्स मिलते हैं। उसके अलावा घरों की अगर हम बात करें तो हमारे जो बैम्बू और मड का इस्तेमाल करते ये लोग घर बनाते थे, थैच्ड रूफ होते थे, इनका जो लिविंग टाइप था वो थोड़ा सेमी नोमैडिक था, मतलब सेमी नोमैडिक का क्या मतलब है कि थोड़े टाइम के लिए रहते थे उसके बाद मूव कर जाते थे, इस टाइप का जो टाइप ऑफ लाइफस्टाइल होता है इसको हम बोलते हैं सेमी नोमैडिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अतिरापक्कम। अतिरापक्कम इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट। ये हमें कहाँ मिलता है, चेन्नई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में मिलता है।
और ये हमें बहुत सारे लोअर मिडिल अपर पेलियोलिथिक कल्चर के एविडेंस देता है। ठीक है, अब इसमें सबसे ओल्डेस्ट प्री हिस्टोरिक साइट साउथ एशिया का इसको माना भी जाता है, तो इसीलिए ये अतीरा पक्कम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, ये ओपन एयर पेलियोलिथिक साइट है। क्या क्या मिला है यहाँ से, हमें हैंड एक्सेस मिला है, क्वार्ट्जाइट स्टोन्स का मिला है हैंड एक्सेस दैट वर नॉट अवेलेबल लोकली। मतलब यहां से हमें क्या पता चलता है, एक बार्टर टाइप का सिस्टम वहां पे था, उस टाइम पे प्रिवेलेंट था। फॉर एग्जाम्पल, यहां से मैंने कोई गेहूं दिया आपको और आपने बदले में मुझे कोई टूल दिया या ब्रॉन्ज दिया कुछ भी दिया, तो यहाँ पे हमें क्वार्ट्जाइट स्टोन से बने हुए कुछ टूल्स मिलते हैं जैसे कि हैंड एक्सेस मिलते हैं, और क्वार्ट्जाइट स्टोन जो थे वो यहाँ पे लोकली नहीं मिल रहे थे, तो डेफिनेटली ये लोग कहीं और से लाते होंगे। और ये लाएंगे कैसे, बार्टर स्ट्रक्चर के थ्रू, बार्टर सिस्टम के थ्रू, आदान प्रदान जो होता है उसके थ्रू। ठीक है, अब ये जो टूल है ये बेसिकली किस लिए इस्तेमाल करते हैं, बुचरी के लिए, चॉपिंग के लिए, वुड को काटने के लिए, राइट। और इसमें जो यूनिफॉर्मिटी होती है शेप की और सिमेट्री की, और ये जो यूनिफॉर्मिटी है ये दिखाती है कि सोसाइटी कितनी ज्यादा ऑर्गेनाइज थी और कैसे ये लोग कलेक्टिव वर्किंग में बिलीव रखते थे, एक साथ ये लोग काम करते थे, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते थे, तो ये सारे हमें एविडेंसेस यहाँ से मिलते हैं। उसके अलावा हमें क्या क्या डिस्कवरीज मिलती है अतीरापक्कम की साइड से, फुटप्रिंट्स मिलते हैं हमें कुछ एनिमल्स के, एनिमल फॉसिल मिलता है जैसे टीथ ऑफ हॉर्स, वाटर बफेलो एंड नील गाय। क्या सजेस्ट करता है कि ये ओपन और वेट लैंडस्केप था, किसका, अर्ली पेलियोलिथिक टाइम का। अब आपको पता होगा ऑस्ट्रिच के एविडेंस भी हमें कहीं से मिले हैं, वो कौन सा पीरियड है जब हमें ऑस्ट्रिच के एविडेंस मिले हैं, क्योंकि अगर अभी की बात करें तो अभी ऑस्ट्रिच सिर्फ अफ्रीका में मिलता है, राइट। तो ऑस्ट्रिच जो है उसके एविडेंस हमें कौन सी जगह से मिले हैं, किस टाइम से वो पर्टिकुलर जो ये रिमेन है बिलोंग करता था, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा शंघाओ, शंघाओ अब पाकिस्तान में है, पेशावर डिस्ट्रिक्ट में। यहां से भी हमें मिडिल और अपर पेलियोलिथिक ऑक्यूपेशन मिला है, और जो स्टोन टूल्स थे वो किस किस से बने थे, बोन से बने थे, हर्ट से बने थे, और ये सारे जो टूल्स थे ये किस से बने थे, क्वार्ट्ज से बने थे, ठीक है। और बहुत सारे जो टूल टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई थी दैट वॉज फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, और बहुत सारे हमें ब्यूरन्स देखने को मिले हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, हमने सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जिससे हमारा थोड़ा दिमाग खुला, हमें पता चला किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट को समझा, ठीक है, पेलियोलिथिक साइट्स के कॉन्सेप्ट को समझा जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं, ठीक है। अब पेपर 1 पेपर 2 दोनों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए हमें अपने एग्जाम को टारगेट करना है। पेपर 1 के लिए ऑलरेडी कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, वहां पे मैं हूं, मैंने आपको पढ़ाया है, उसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगी, प्रैक्टिस सेशंस होंगे, आपकी तैयारी एकदम फुल प्रूफ अच्छे तरीके से हो जाएगी। मेरे अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन सर हैं, उन्होंने, ही इज वेरी ग्रेट टीचर, उन्होंने बहुत अच्छे से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सारे नॉलेज दी हैं। उसके अलावा रजत सर, संस्कृति मैम, सब कोई यहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेशंस लेंगे ताकि आप एकदम परफेक्ट हो जाए, और आपको नोट्स मिलेंगे, आपको क्लासेस मिलेंगे, तो उससे आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है प्लस प्रैक्टिस दोनों ही अच्छे से हो जाएगा। पेपर 2 जिन लोगों का हिस्ट्री है, डीले मत करिए, फटाफट से आप में खुद को एनरोल करिए। जिन लोगों को एक्चुअल में ढंग से तैयारी करनी है, सिलेक्शन निकालना है, ना सिर्फ नेट बल्कि JRF भी निकलेगा अगर तैयारी अच्छी होगी, तो इसीलिए डोंट डिले, फटाफट से बताइए कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत जल्दी ही कोर्सेज लॉन्च होने जा रहे हैं, तो फटाफट से। और साथ में जो लोग ऐसे हैं, जो लोग इस हिस्ट्री सब्जेक्ट के नहीं है, किसी और सब्जेक्ट के हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जो हिस्ट्री सब्जेक्ट के हैं उनके साथ ये सेशन शेयर कीजिए, साथ में आप लोग उनको बताइए कि कितने इफेक्टिव होते हैं ये सेशन। जो लोग ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुके हैं, उन लोगों ने पढ़ा हुआ है,
तो उनको पता होगा कि क्या बेनिफिट है, क्या मतलब कितना बेनिफिशियल है ये कोर्स, कितना नहीं बेनिफिशियल है, क्या इसमें पैसे खर्च करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए। तो जो भी आप फील करते हैं अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए YouTube क्लासेस में, जितना ज्यादा आ सकते हैं उतने ज्यादा बच्चे आइए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फ्री की क्लासेस है तो यहाँ पे आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी आपको ढंग से नॉलेज मिलेगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस मैं करवा सकती हूँ उतना ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगी, ताकि आपके एग्जाम के लिए आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो। तो अब आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन जल्दी लेंगे, सही समय पे लेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और टाइम रेत की तरह हाथ से फिसलना जाए, इसीलिए जल्दी से डिसीजन लीजिए। ओके, तो अब मिलते हैं अपने अगले सेशन में। इसके अलावा मेघा, जैसे आप पूछ रहे थे कि UPSC का कल मेरी GS की क्लास होगी, UPSC के लिए, वहां पे मैं GK के जो क्वेश्चन, GS पोर्शन के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगी, तो वहां पे आइएगा। जो लोग भी अदर लोग आना चाहते हैं वो लोग भी आइएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए, ताकि हम ऐसे अच्छे अच्छे इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लाते जाएं। ओके, तो अब मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।